हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे AWPL कंपनी के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी। आपको जानने को मिलेगा कि AWPL है क्या और इसके लीगलाइजेशन सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट से अप्रूव है या नहीं है, या फिर इसके जो भी फंडामेंटल्स हैं, चीज़ें टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ें आज हम इस वीडियो में को डेप्थ नॉलेज जानने को मिलेगा, रिसर्च बेस्ड पूरा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चाहे आप इस कंपनी में ज्वाइन हैं या फिर ज्वाइन नहीं भी हैं या ज्वाइन होना चाहते हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखें, ताकि आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप हैं या फिर इस कंपनी के साथ हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि AWPL, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, पूरा नाम असलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हेल्थ प्रोडक्ट सेलिंग करती है, मतलब कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है ये। और असलीपियस का मीनिंग क्या है? ये मीनिंग असलीपियस का सिंपल सा है कि गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन मतलब कि भगवान, दवाइयों के भगवान, उनको असलीपियस कहा जाता था पहले के समय में, जो कि असलीपियस जो थे अपोलो के वंशज थे। तो असलीपियस का जो सबटाइटल है, इलाइट नथिंग एल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है। इलाइट का मतलब होता है कि समाज में सबसे श्रेष्ठ, किसी भी भाग में हो, चाहे वो धन में हो, शक्ति में हो, बुद्धि में हो, किसी भी चीज़ में हो, सबसे श्रेष्ठ, उसका मतलब इलाइट होता है। और नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कि सबसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं, ये सब टाइटल है कंपनी का। उसके बाद क्या है कंपनी का, मतलब कि सेरेमनी जो मनाया जाता है 2014 से सेरेमनी बनाया जा रहा है। 9 नवंबर से सेरेमनी कंपनी का मनाया जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली से है, दिल्ली द्वारका में कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। और इसके तीन डायरेक्टर हैं। पहला मिस्टर संजीव कुमार, जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और एक फाउंडर और MD और CEO हैं AWPL कंपनी के, जो कि मोदी नगर के रहने वाले हैं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इन्होंने 16 साल सर्विस किया अपने आर्मी कैंप में, मतलब आर्मी में इन्होंने 16 साल दिया और कुछ साल इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को दिया। और इनकी आत्मा या भाव की बात करूं तो इनके भाव, विचार, संस्कार, जो कि बहुत ही एक तरह से काइंडनेस इनमें बहुत ज़्यादा है। इसलिए कंपनी शुरू करने का इनका मकसद ही यही था कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना। और दूसरे जो हैं अमित कुमार, जो कि एक हरियाणा से हैं, दूसरे डायरेक्टर हैं। और तीसरे मामचंद रायपुरिया, जो जयपुर से हैं। कंपनी का विज़न और मिशन क्या है? कंपनी का विज़न और मिशन कहती है कंपनी, पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, देन हैप्पीनेस। तो हम कंपनी जो है सबसे ज़्यादा फोकस करती है हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे। कहती है क्या कि अगर स्वास्थ्य इंसान का सही रहता है तो धन अपने आप ही आता है, और धन अपने आप आता है तो खुशियां अपने आप आती है, कंपनी का ये कहना है, है ना। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जयपुर के सीतापुरा में, और कंपनी के फ्रेंचाइजी जो है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में कई सारे स्टोर्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, कहीं भी रहते हो आप इंडिया में। और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, बहुत ही तेज़ी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है प्रोडक्ट। अगर उस एरिया में, जिस एरिया में आप नहीं रह रहे हैं, उस एरिया में क्या है, कुरियर सर्विस भी कंपनी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेती है। ठीक है, आयुर्वेदिक सेक्टर में कंपनी काम करती है, और आयुर्वेदिक सेक्टर में काम करती है और साथ ही साथ कई सारे प्रोडक्ट पे डील करती है कंपनी, जो सारे वेलनेस केयर से रिलेटेड होते हैं। और आगे आने वाले फ्यूचर में और भी बहुत सारे एक्सपेंशन कंपनी कर सकती है, क्योंकि हर साल सेरेमनी में कंपनी अपना नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। और अब बात करें अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल है वो दिए गए हैं VK सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनके थ्रू दिए गए हैं ये चीज़। और जो इसकी बात करें, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में 14 फेब को, तो उसमें भी कंपनी ने डोनेशन किया था 11 लाख रुपए के लगभग। और कंपनी के बाद में बात करें अवार्ड्स की, रिकॉग्निशन की, तो कंपनी के पास अवार्ड्स और रिकॉग्निशन बहुत सारे हैं। कंपनी के पास इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है 2019 में मलेशिया में। ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो
अपने फील्ड में एक्सीलेंसी के साथ काम करते हैं और अचीव करते हैं बेस्ट अपने कंट्री में। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड कंपनी को मिल चुका है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत रत्न अवार्डेड हैं। अब ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है चैम्पियन ऑफ चेंज का, जो लोग गांधीयन कोई बातें को फॉलो करते हैं, मतलब कि गांधी जी की जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं, जैसे स्वच्छता, कम्युनिटी सर्विस और सोशल डेवलपमेंट को रिलेट करते हैं अपनी कंपनी में, उनको ये चीज़ दिया जाता है बहुत से लोगों के साथ, ठीक है। और ये अवार्ड सिर्फ पीएम और प्रेसिडेंट के थ्रू ही दिया जाता है, ये बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है। और उसके बाद मिलीनियम ब्रिलियंस अवार्ड 2019 में मिला है, ये भी बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है। देखो, जो भी अवार्ड्स रिकॉग्निशन है ये कंपनी को मिलते तो सबको हैं, लेकिन ये कंपनी ने इतने छोटी से उम्र में, मतलब कि सिर्फ 5 सालों में ही इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, तो कंपनी की लीगलाइजेशन जो है यहाँ से हमें पता लगती है अचीवमेंट्स की, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी, स्ट्रॉन्ग काम कर रही है एक मकसद के साथ। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड एंड लीडर्स का अवार्ड मिल चुका है 2018-19 में, जिसको रिप्रेजेंट किया था एशिया वन ने 2nd edition में। उसके बाद क्या है, इससे भी बड़ी बात कि फोर्ब्स के बारे में आप सब जानते होंगे, जो कि फोर्ब्स इंडिया बहुत ही जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से कंपनी का प्रोफाइल आया, मतलब कि कंपनी का प्रोफाइल फोर्ब्स इंडिया के मैगज़ीन में प्रिंटेड हुआ, और जो फ्रंट पेज कवर पेज जो होता है, कवर पेज पे MD एंड CEO जो हैं कंपनी के AWPL के मिस्टर संजीव कुमार, उनका भी प्रोफाइल आया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए, और इससे पता लगता है कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है और क्या, मतलब कि कितनी प्योरिटी है कंपनी में। और बिजनेस आइकन अवार्ड 2018 में मिल चुका है, जो कि बेस्ट हेल्थ केयर आयुर्वेदा प्रोडक्ट के लिए होता है, बिजनेस इस चीज़ के लिए मिला उन्हें। उसके बाद संकल्प से सिद्धि अवार्ड 2018 में मिल चुका है, जो कि ग्राउंड से स्काई तक जाते हैं लोग, उनको ही ये चीज़ दिया जाता है, जो इनोवेशन करते रहते हैं, लीडरशिप करते रहते हैं और डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, उनको संकल्प से सिद्धि अवार्ड दिया जाता है। भारत से शौर्यश्री अवार्ड्स ये भी कंपनी को मिल चुका है। अब ये तो बात हो गई हमारी अवार्ड्स की, अब बात करते हैं हम लीगलाइजेशन की, लीगैलिटी मतलब सर्टिफिकेट्स क्या क्या है कंपनी के पास और ले रखी है, क्या क्या मिल चुका है, जिससे और भरोसा मजबूत होता है, आप इसमें करियर अपना लगा सकते हैं बेझिझक चाहे तो, क्योंकि ये जो रिसर्च बेस्ड वीडियो है आप देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये सारी कंपनी के वेबसाइट्स हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से ली गई हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल, तो ये डिटेल पूरी लीगल है, ठीक है। अब बात करते हैं लीगलाइजेशन की, जो कि IOC द्वारा कई सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, जो कि पहला जो सर्टिफिकेट मिला है जो कि कहलाता है क्या कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करती है कंपनी उसके लिए। दूसरा IOC के थ्रू ही मिला है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी का बहुत ही अच्छा है इसलिए मिला है। HACCP सर्टिफिकेट मिल चुका है, जैसे कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है। और बात करें तो किशोर सर्टिफिकेशन जो मिला है, जो कि एक प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट और फूड इज़ किशोर फिट फॉर कंज्यूमर, मतलब कि क्या कि इस प्रोसेस में किशोर सर्टिफिकेशन में पता लगता है कि कंपनी के जो फूड्स हैं, मतलब कि प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल फिट है कंज्यूमर के लिए। WHO के द्वारा WHO GMP मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मीन्स दैट टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, मतलब कि क्या उनको कंपनी को WHO के थ्री ये मिला है कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है इसमें बहुत ही कम रिस्क हैं लोगों के लिए, ये ना के बराबर फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के। IOC के द्वारा एक और सर्टिफिकेट मिला है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है जो कंपनी का होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है कंपनी, जो 7 अक्टूबर 2014 से है, कंपनी का पैन कार्ड है बना हुआ, ये जो शुरू के टाइम में तो होता ही होता है ये सब चीज़ें। और
आयुष मंत्रालय द्वारा प्रोडक्ट का लाइसेंस कंपनी को मिला हुआ है। और भी और तो और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग कहते हैं कि कई लोग डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं प्रोडक्ट जो मिलते हैं, अगर उस प्रोडक्ट को कोई, आप तो डॉक्टर तो हो नहीं जो दे रहे हो, तो उसको खाकर कोई ख़त्म हो गया, तो सारी जो होती है ना प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड होती हैं सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ की, और प्रोडक्ट प्रूवन होती है तभी वो आगे दिया जाता है। तो यूरोफिन जो कि बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी है, वहाँ से सारे प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन कंपनी ने करा रखी है, चेक करा रखा है AWPL कंपनी ने, तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंचाइजी ग्रो कर रही है वैसा मैंने बताया। और अब बात करते हैं कंपनी के टॉप अचीवर की, तो टॉप अचीवर महिपाल सिंह हैं, और कंपनी के जो टॉप ट्रेनिंग हेड हैं मिस्टर अनिल कुरी। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर इसमें कितना हमारे लिए अच्छा हो सकता है अगर हम इसमें करियर लगाएं, तो 33.2% ग्रोथ कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री में, तो और जो AWPL कंपनी है काम करती है वेलनेस इंडस्ट्री में ही काम करती है, 55.1% इंडिया में ग्रोथ कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री जो कि AWPL इसी में डील करती है। ग्लोबल इंडस्ट्री जो कि $192 बिलियन का बन चुका है 2018 में, अभी 19 में अलग रिपोर्ट आएगी, 20 में अलग, तो ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इंडिया की डिटेल में बात करें अगर डायरेक्ट सेलिंग की, तो कितनी होती है ये 5.1% की ग्रोथ से इंडिया ग्रो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग, तो इसमें ब्राइट फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग में, आप ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में AWPL को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी बस क्या है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, अगर आप 18+ नहीं हैं तो आपके घर में जो 18+ है उनके थ्रू आप कर सकते हैं, तो आप इसमें आप बेझिझक फ्यूचर लगा सकते हैं आप जो भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी अगर भाग गई तो क्या करेंगे हम, हमारा फ्यूचर लग रहा है, टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो बिल्कुल उनकी बात सही है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बताते हैं कि कंपनी भाग गई उसके रीज़न क्या क्या होते हैं। कंपनी देखो, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ख़त्म हो जाए तो कंपनी नहीं चलती है। और प्रोडक्ट्स कंपनी के क्या क्या हैं, सारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, सारी ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं, लोगों की नीड्स के हैं, आगे आने वाले टाइम में डिजीज़ बढ़ने वाली है, बीमारी बढ़ने वाली है, ख़त्म नहीं होगी, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी, और लॉस अगर कंपनी करती है लॉस या फिर उधार करती है तब कंपनी के ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो कंपनी जो है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी पहले पैसे लेती है, उसके बाद प्रोडक्ट्स पहुँचाती है एक हफ्ते के दौरान। दूसरी बात भी क्लियर। तीसरी बात क्या, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, जो लीगलाइजेशन है, लीगलिटी है, उस पर कायम है या नहीं, तो सारी सर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया पीछे, तो वो भी करेक्ट है। और अगर लोग काम करना बंद कर दे, लोग काम करना कब बंद करते हैं जब उन्हें पे आउट नहीं मिलता या तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है इसके कारण। और जो कि यहाँ AWPL में अच्छे पे आउट के साथ साथ विदाउट कंडीशन अच्छे पे आउट मिलते हैं, तो आप अपना बेटर फ्यूचर देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में AWPL को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में लगभग 300 से प्लस कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 10,000+ कंपनियां, 10 से 15,000 हैं जो कि ग्रोइंग कर रही है लगभग, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी जो डील करती है चाइना है, USA है, रसिया है, ये सब बहुत ही तेज़ी से, ये सब कंट्री जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में। और इंडिया सिर्फ क्या है 0.1% ओनली। पॉपुलेशन कितना है 135 करोड़ अबव, लेकिन हैं कितने, सिर्फ 55 से 60 लाख लोग एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना। तो ये बहुत ही अचंभित बात है, लेकिन क्या है, ये आने वाले टाइम में फ्यूचर इंडिकेट करती है। KPMG फिक्की के रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही बड़ा बदलाव और बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। लोग नौकरी की जगह डायरेक्ट सेलिंग को चुन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि नौकरियां क्या है, रोबोट्स ले रही हैं, रोबोट्स कैप्चर कर रही हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिल चुका होगा, क्योंकि सारी डिटेल जो कंपनी के बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दी। आप अपने लोगों को बता सकते हैं, दे सकते हैं, भेज सकते हैं, या आप अपनी जानकारी के लिए इसको अगर समझ ना आए तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। और भी अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ AWPL से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ आपको एजुकेट किया जाता है,
जितनी भी टेक्निकल काम है, बेसिक्स काम है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ बताई जाएगी।